मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीजगणित, ठीक है। बीजगणित आज हम पढ़ेंगे। बीजगणित की लगभग 25 क्लास हमारी होंगी और बीजगणित के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, बीजगणित जो होती है, एलजेब्रा जो होती है, वो दो चीज़ों से पढ़ी जाती है। एलजेब्रा दो टाइप से पढ़ी जाती है। पहली पढ़ी जाती है फॉर्मूले से। पहली किससे पढ़ी जाती है? फॉर्मूला से। और दूसरी पढ़ी जाती है मॉडर्न तरीके से, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड जो होगी, एलजेब्रा एक होगी जो मॉडर्न बेस्ड होगी, इससे क्या है, हम अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो पहला टाइप क्या होगा? फॉर्मूले से। और दूसरा टाइप क्या होगा? मॉडर्न यानी आधुनिक, ठीक है, वर्तमान जो चल रहा है। उसके बाद एक तीसरी जो चीज इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा टाइप ये बनता है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी में पढ़ेंगे। देखो पहला क्या है, फॉर्मूले से पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे इसको मॉडर्न से, और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। देखो बीजगणित हम कितने सूत्र पढ़ेंगे आज? तीन सूत्रों पर आधारित पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बात की ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। उसके बाद बात करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। और बात करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले के बारे में। इन तीन सूत्रों को सब जानते हैं, ठीक है। इन तीनों सूत्रों को आप सब जानते हैं और सबको ये पता होता है कि ये तीन फॉर्मूले हैं। फिलहाल अभी हम इन तीन फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को सब जानते हैं, सबको ये आते हैं, फिर भी हमसे सवाल सोल्व नहीं होते। सिंपली ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो इक्वल होगा, उनका फॉर्मूला हर किसी को याद नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इन तीन फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करेंगे और पूरा इसको कंप्लीट निकालेंगे कि आता कहाँ से है फॉर्मूला। उसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम कितनी बार लिख सकते हैं? दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी गुणा में ए प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं। ए को आप ऐसे गुणा करेंगे तो यानी इनकी घात एक एक मान सकते हैं आप। इस बी की घात भी एक एक मान सकते हो आप। ए की घात एक और ए की घात एक गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगी ए का स्क्वायर। ए को इस बी से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? ए बी। इस बी की घात एक को ए की घात ए से गुणा करेंगे, दोनों आधार समान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है। और बी की घात, अब आप देखना, इस बी को ऐसे कैद कर दिया, इस बी को बी से करेंगे तो क्या जाएगा? बी स्क्वायर। अब देखना आगे क्या जाएगा, ए स्क्वायर। एक ए बी और एक ए बी कितने हो जाएंगे? दो ए बी, और प्लस में क्या है? बी स्क्वायर। आपको हमेशा यही फॉर्मूला पढ़ना है, ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है बात? अब आगे देखना आप, ए माइनस बी को आप कितनी बार लिख सकते हैं? दो बार, है ना, लिख दो बार। आप इस ए को ऐसे गुणा करेंगे तो मैंने कहा ना एक घात है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर आधार समान है तो। ए को बी से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस का ए बी। बी को इस ए से गुणा करेंगे, माइनस पहले से है तो माइनस का ए बी। माइनस बी को इस माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का दो ए बी और प्लस का क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, दो फॉर्मूले ये हो गए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला आता कहाँ से, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखो आप, ए को इस ए से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर। ए को इस बी से करेंगे तो माइनस का ए बी। बी को इस ए से करेंगे तो ए बी किसका? प्लस का। और इस बी को इस माइनस बी से करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है।
तीसरा फॉर्मूला आपका ही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको जो बताया ना यहाँ पर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, इस फॉर्मूले के बराबर है। ये फॉर्मूला किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है, क्लियर है ना। और ये फॉर्मूला किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर है। तो इसमें से दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, वो फॉर्मूले क्या है ध्यान से देखना। ये जो दो ए बी है ना, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और क्या बच जाएगा, ये दो ए बी इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का दो ए बी। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का आपको यूज आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला क्या है देखो, ये भी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अब की बार ध्यान से देखना, बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें से अब की बार जो माइनस का दो ए बी है ना, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का दो ए बी हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपका ये निकल कर आ गया यहाँ से, ठीक है। कितने फॉर्मूले हो गए ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला, ठीक है, दो फॉर्मूले है ना, और ये क्या है तीसरा फॉर्मूला, और ये क्या है आपका चौथा फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले हो गए बताओ, सिर्फ यहाँ पर पांच फॉर्मूले बनते हैं आपके, कितने हो गए, एक दो तीन और ये क्या है चार, और ये क्या है पांच। भाई ए माइनस बी का स्क्वायर तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ये फॉर्मूला एक ये बन गया ना, एक तो ये, एक ये दो तीन और ये चार और एक ये पाँच। तो कितने फॉर्मूले बन गए आपके, पांच फॉर्मूले बन गए। इन पांच फॉर्मूलों को आप कंठस्थ याद रखना है आपको, फिर से ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से सुनना, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला चाहिए तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस माइनस, यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है देखो, ए प्लस बी का स्क्वायर है यहाँ पर, तो माइनस का क्या है, अब की बार देखो क्या है माइनस प्लस, पहले क्या था प्लस माइनस, एक बार क्या है माइनस प्लस। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले बन गए देखो, सेम है ना, एक तो बन गया प्लस माइनस और एक बन गया माइनस प्लस, समझ में आ गए। तो पांच फॉर्मूलों को आप इनको नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर एक, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1006 की पावर क्या है दो, एक माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस में क्या है 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003 प्लस का क्या है दो। आप इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखना आप इस सवाल को हम कैसे करेंगे। आप ये बताओ मुझे कि इसमें कोई भी टर्म कॉमन मिल रही है क्या, बताओ कोई भी टर्म कॉमन मिल रही है। जब भी सवाल आएगा ना 6, 7, 5, 8, 4, 9, 3 है ना, ऐसा मतलब इसके आसपास संख्या आएगी। आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आपको मिल रही है, दो बार वैल्यू कौन सी बताओ, यानी इसमें ऐसी वैल्यू कौन सी है जो इसमें दो बार रिपीट हो रही है। 1006 कितनी है, आप उसको ले लो। देखो एक बार, मैंने यहां पर x का मान 1006 मान लिया, बस आपको किस क्या मानकर करना है सवाल को, x मानकर और y मानकर करना है। देखना एक बार, आप मुझे बताओ 1006 ये क्या है, x का स्क्वायर लिख दो इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x का स्क्वायर। आप मुझे बताओ x से मतलब ये 1006 में ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो मैं x प्लस में एक लिख दूँ क्या इसको, ऐसे ये कितना कम है, एक कम है तो x माइनस एक लिख दूँ, समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको। प्लस में क्या करेंगे, x प्लस में क्या है, कितना ज्यादा है 6 से, दो ज्यादा है, तो ये x प्लस दो लिख दूँ, ये कितना कम है, दो कम है, 1006 से दो कम है ना, तो x का मान है माइनस दो लिख दूँ। अब क्या करेंगे, माइनस ये कितना ज्यादा है बताओ 1006 से, तो x में कितना जोड़ दूँ, तीन जोड़ दूँ, और क्या करेंगे आगे देखना, x ये कितना कम है, तीन कम है तो माइनस तीन, और प्लस में क्या है दो, ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात आपको। अब क्या करेंगे देखना, x का स्क्वायर माइनस पहले से ही है, ये बताओ a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर एक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ आप। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं, ऐसे लिख दूं, प्लस
एक्स प्लस दो और एक्स माइनस दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का चार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? ये आगे देखना माइनस, इसके आगे सिर्फ प्लस है तो आपको ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें देखना यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, एक्स प्लस तीन और एक्स माइनस तीन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का नौ, ठीक है, और प्लस में क्या है दो। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको ये? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का नौ हो जाएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखना आगे एक्स स्क्वायर, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का चिन्ह अंदर के सारे चिन्ह बदल दो, एक्स स्क्वायर ए प्लस का एक प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का चार माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या है नौ और प्लस में क्या है दो। क्लियर यहाँ तक? आप इसको देखना, आप देखना ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, क्या बचेगा नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और एक बारह, बारह में से चार गए कितने बच जाएंगे बताओ आठ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दो ध्यान से देखना एक बार, यहाँ पर ये क्या है 7937 इंटू 7935 प्लस में चार 7935 इंटू 7935। क्या करेंगे? वही हमारा सीन होगा कि जब भी आपको कोई कॉमन वर्ड मिले, जब भी आपको क्या मिले कोई, जैसे ये दो कॉमन मिल रहे हैं, ऊपर कोई अलग कॉमन मिलता है तो उसको वाई वाई मान लेना, लेकिन यहाँ पर तो एक ही कॉमन मिल रहा है ना, इस दोनों को क्या लिख सकते हैं बताओ एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गई नहीं यही बात बताओ? आगे क्या करेंगे, ये 35 से कितना ज्यादा है दो ज्यादा है, तो एक्स प्लस में दो कर देंगे और वापस क्या कर देंगे, ये कितना ज्यादा है तीन ज्यादा है, दो कम है मतलब, तो एक्स माइनस दो कर देंगे, ये दो ज्यादा है ये दो कम है और प्लस में क्या है बताओ चार। आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का चार और प्लस का क्या है चार, बटा में क्या है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे सॉरी इसको इससे काट दो, एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर नीचे बचेगा, भाग कितनी बढ़ जाएगा, राइट आंसर क्या जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। जो अब हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या है फॉर्मूला पर बेस, लेकिन क्या है हम इनको जल्दी करने के लिए क्या करेंगे दोनों का यूज करेंगे, मॉडर्न का भी और फॉर्मूला का भी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप डायरेक्ट आंसर दोगे इसमें, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर तीन, यहाँ ध्यान दो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले आपको, फिर बाद में अपन सीरीज से करेंगे। देखो 475 इसमें कहीं और भी है क्या, है ना, ये रहा 425 है यहाँ पर, बिल्कुल है, तो जो है ना इसमें दो टर्म मतलब कॉमन आ रही है, तो आपको क्या करना है एक को एक्स एक्स मान लो और एक को वाई, तो इसको 475 को एक्स मान लो और 425 को वाई, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस चार, 475 की जगह क्या माना था एक्स और इंटर में क्या है 425 की जगह क्या माना वाई, इसका एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रख दो आप, एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या है वाई का स्क्वायर प्लस में क्या है दो एक्स वाई माइनस का क्या है चार एक्स वाई। क्लियर है ना यहाँ तक? आप बताओ एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही और वाई स्क्वायर ऐसे कैसे ही, चार एक्स में से दो एक्स जाएंगे तो माइनस का दो एक्स वाई, और ये फॉर्मूला किसका होता है बताओ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है ना, एक्स का मान कितना माना था 475 और y का 425, क्या क्या हो जाएगा बताओ, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, नहीं 50 हो जाएगा, हाँ हाँ कर रहे हो, 75 से 25 गया तो 50 के स्क्वायर कितना जाएगा 2500, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ध्यान देना इसमें, अब एक कंडीशन बनती है इसके अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई संख्या है, ऐसे मैंने मान लिया तीन, तीन बटा पाँच, और मैंने इसको गुणा कर दिया इसके व्यतिकरण से पाँच बटा तीन से, तो पाँच से पाँच कटेगा तीन से तीन कटेगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, ये पहली कंडीशन बनती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो तीन बटा पाँच है ना, या फिर आप ले लो नौ बटा आठ, और इसके व्यतिकर्म का मतलब होता है इसके रेसिप्रोकल है आठ बटा नौ, अगर इस समय इसको काट देंगे तो क्या क्या बच जाएगा बताओ एक ही आएगा। एक तीसरा एग्जांपल और ले लो दस बटा बारह, और गुणा में क्या कर देंगे बारह बटा दस, यानी इसके रेसिप्रोकल से गुणा कर देंगे तो ये कट के क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। ये कंडीशन आप समझते हैं ना, जब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपकी बार, मान लो मैंने तीन बटा पाँच
और प्लस में क्या कर दिया, 5/3 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हमको इसके अंदर समझना है। ठीक है, देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया 9, और 5 का स्क्वायर किया कितना, 25, और बटा में क्या मैंने किया, 5 के स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए 16, और इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से काटा, 2 8 16, 25 और 9 कितने होते हैं, 34 बटा कितना, 8, सोल्व करने पर कितना आएगा, 17/4। अब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या यही आ रहा है क्या, देखना, 3 को 3 से गुणा किया 9, 5 को 5 से गुणा किया 25, ठीक है, 5 को 3 से गुणा किया कितना, 15, 25 और 9 34, बटा में कितना है, 15 ही आ रहा है, 15 ही आ रहा है ना, तो इसमें आप बताओ यही आया क्या, यही आएगा किसमें, हाँ 25 में से 9 गए 16 ही बचते हैं ना, लेकिन ये नहीं आ रहा है। चलो इसको एक बार और देखते हैं, एक बार यहाँ देखो, एक बार इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार अब ध्यान से इस बात को सुनना। देखो जैसे मैंने कोई संख्या मान ली p प्लस क्यू है ना, और नीचे मान ली मैंने p माइनस का क्यू, इसका व्युत्क्रम आप अगर जोड़ रहे हैं, मतलब p माइनस क्यू और क्या करेंगे p प्लस में क्यू, लेकिन वहां पर संख्या क्या है, सिंगल सिंगल थी, यहाँ पर क्या है, दो संख्याएं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दो संख्याएं। तो आप मुझे बताना हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको पूरा एक बार सोल्व कर रहा हूँ, और सोल्व कर रहे हूँ तो देखो सोल्व करने पर क्या आएगा, ध्यान से देखना, इसको इससे गुणा करेंगे तो पी प्लस क्यू का मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर प्लस, इसको इससे गुणा करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और बटा में क्या लिख सकता हूँ, इसको पी माइनस क्यू और क्या लिख सकता हूँ, पी प्लस में क्यू, क्लियर, ये क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, और प्लस में क्या है, 2p और क्यू, प्लस इसका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2p और क्यू, बटा में क्या जाएगा, पी माइनस का क्यू, यानी दोनों का क्या जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इस प्लस के इससे कट जाएगा, ध्यान से मेरी बात आप सुनना, ये क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर दो बार है ना, तो 2p स्क्वायर और प्लस में क्या है, क्यू स्क्वायर, ध्यान से आप मेरी बात को सुनना अभी, बटा में क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आप ये बात समझ गए नहीं समझे बताओ पहले, जैसे आया ये, अगर मान के चलना, अगर मैंने लिखा आपसे पी प्लस का क्यू है ना, तो इसको क्या कर, ऐसा अगर कभी आए प्लस का माइनस का, इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर सकते हैं, इसको 2 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 2 से, और नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके अंतर कर देंगे, तो इसका जो ये रिजल्ट निकलेगा ना, वो ये रिजल्ट निकलेगा, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, समझ में आ गया होगा रिजल्ट, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको, इस रिजल्ट को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, रिजल्ट क्या बनता है, जैसे मैंने एक सवाल ले लिया, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, अंडर रूट 5 प्लस में 1 बटा में अंडर रूट 5 माइनस 1, आज तक आप इसको रटते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि अपने यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, याद याद रखना आप इसको देखना एक बार, बस सिर्फ देखना है आपको इसको, ऊपर क्या है प्लस और नीचे क्या है माइनस, अगर प्लस में इसका रेसिप्रोकल हो रहा है कहीं पर भी तो क्या करेंगे, ध्यान से आप मेरी बात को सुनना, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, एक सॉल्यूशन तो पहले करते थे पूरा सोल्व करते थे, लेकिन पूरा सोल्व नहीं करना है कभी भी, क्या करना है, जो ऊपर है ना अंडर 5 इसका आप स्क्वायर करो, अंडर 5 का स्क्वायर तो खाली 5 होता है ना, अंडर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, दोनों को जोड़ना है आपको, स्क्वायर करके जोड़ दिया, 2 से गुणा करना है, और क्या करना है आगे देखना, अंडर 5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, इसमें से घटा दो बस, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 5 में से 1 गए 4,
12 में 4 का भाग दो, आंसर कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, बस ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ऐसे 150 रिजल्ट बनेंगे एलजेब्रा के अंदर, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो चाहे आप आरपीएससी की करो, ठीक है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया, पर ये बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, जिसे मैंने लिखा यहाँ पर अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2 बटा में क्या है, अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 प्लस करना है, अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2। आपके जितने बुक में सवाल है 100-200 इनको आप डायरेक्ट कर सकते हो, अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2। क्या करेंगे देखना इस क्वेश्चन को आप, क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या बताया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, जोड़ दो और डबल से गुणा कर दो। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 में 2 1, 3 और 2 5, 5 2 10। समझ में आ गया है राइट आंसर कैसे आएगा? ठीक है, उसके बाद आप यहाँ ध्यान दो, एक अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है। यहाँ पर आप कहोगे सर एलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री क्यों आ गई, ध्यान से देखना, साइन थीटा प्लस का कोस थीटा और क्या है बटा में, साइन थीटा माइनस का क्या है कोस थीटा और प्लस में क्या है, साइन थीटा माइनस का क्या है कोस थीटा, बटा में क्या है साइन थीटा और क्या है प्लस में कोस थीटा। आप इसको देख लो इस सवाल को, और इंटो में क्या है साइन थीटा माइनस का क्या है कोस थीटा, ठीक है, ये सवाल है। मान लो साइन थीटा और माइनस का क्या है कोस थीटा, इसको करके बताओ आप क्या आएगा इसका आंसर, या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा कर दो, ये गुणा में है ध्यान रखना। आप कैसे करेंगे देखो इस सॉल्यूशन को, आप मुझे बताओ साइन थीटा और कोस थीटा क्या करेंगे इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा यही करेंगे ना, प्लस में क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और किससे गुणा कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे ना, और बटा में क्या है बताओ साइन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और गुणा में क्या कर देंगे बताओ, गुणा में क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है कोस स्क्वायर थीटा। आप देखना ट्रिग्नोमेट्रिक कितनी आसान हो गई आपके लिए, इससे आप इसको काट दो, इसका मान एक होता है, एक को दो से गुणा करेंगे दो राइट आंसर आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना सॉल्यूशन। लोग बाग इसका क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके इसको सोल्व करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। देखो ऊपर नीचे बस स्क्वायर ही तो है, ऊपर नीचे क्या स्क्वायर ही तो है ना, बस आप इसको काट कर क्या करना है, इसको आप ए लिख देना, ए का स्क्वायर प्लस में इसको काट कर आप क्या कर देना बी स्क्वायर लिख देना। आप दिमाग लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, फॉर्मूला लिखा था मैंने अभी आपको, क्या होता है ए प्लस में बी होता है ना, अगर प्लस है तो प्लस माइनस, मतलब माइनस का कितना 2ab। समझ में आ गया कि ना आ गया बताओ, आ गया समझ में? आप मुझे बताओ ए प्लस बी का मान कितना, ध्यान से देखना ए का मान कितना है अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3 और बटा में क्या है अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3 बटा में क्या है अंडर रूट 5 बटा में क्या है अंडर रूट 5 और प्लस में क्या है अंडर रूट 3। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ पर ये a है, ये क्या है a प्लस बी है, और a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। आप मुझे बताओ a का मान ये है और b का मान रेसिप्रोकल है, तो इसमें एक आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी, a का मान क्या है ये है और b का मान ये है, रेसिप्रोकल है तो कट जाएगा ना, इसलिए बताया था मैंने आपको कि 2ab का मतलब ab का मान एक कैसे आ गया, समझ में आ गया ना? अब आप देखना सवाल वही बन गया ना पहले वाला, ये सवाल वही बन गया ना जो अपन पीछे किया है। लास्ट क्या करेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8, 8 को किससे गुणा करेंगे 2 से, बटा में क्या है 5 में से 3 के 2, इसको इससे काट दो। आप बताओ इसको पर क्या है स्क्वायर, कुछ नहीं करना, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में से कितना घटा देंगे बताओ 2 घटा देंगे, क्या जाएगा राइट आंसर
62 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ये बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया बताओ जल्दी से। समझ में आ गया? कंसेप्ट और ट्रिक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से करा रहे हैं इसको। ठीक है, और इसी तरीके से पढ़ना है तभी आप सवाल को एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है। ठीक है, देखो यदि ए बराबर दे रखा है अंडरूट 5 प्लस 1 अंडरूट 5 माइनस 1, बी बराबर अंडरूट 5 माइनस 1 अंडरूट 5 प्लस 1, आप मुझे बताना इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बटा बी प्लस बी बटा ए। ठीक है, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले आप इसको सोल्व करो, कैसे करेंगे इसको सोल्व? ए को ए से गुणा करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर, और बी को बी से करेंगे क्या आएगा, प्लस में बी स्क्वायर, बटा में क्या करेंगे, बी को ऐसे करेंगे क्या आएगा, ए बी आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा ना ए प्लस बी का स्क्वायर लगा सकते हैं, और माइनस का क्या जाएगा, दो ए बी। समझ में आ गया नहीं आया बताओ? और बटा में क्या है, ए बी। आप मुझे बताओ कि जहां पर ए और बी आ जाए, और आप पे ए का मान ये है और बी का मान ये है, तो ए का मान तो क्या जाएगा, एक रख दो इसकी जगह, इसकी जगह क्या रख दो आप, एक रख देंगे, एक का कोई मतलब नहीं बटा में। समझ में आ रही है? ए बी का मान यहाँ भी एक रख देंगे, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है। पता लग रहा ना क्यों है? क्योंकि ए का बी रेसिप्रोकल है, होगा ए का बी वहां पर रेसिप्रोकल है। समझ में आ गया? अब ए प्लस बी का स्क्वायर देखना कैसे करेंगे। ए का मान क्या है, रूट 5 प्लस में 1, और बी का इसका ए प्लस में बी है ना, तो रूट 5 माइनस का 1 दोनों को आप जोड़ दो, और प्लस में रूट 5 माइनस का 1 बटा में अंडर रूट 5 प्लस में 1, और इसका क्या है स्क्वायर, और माइनस का क्या है 2। अब आपको ये तो मैंने बता ही रखा है ना सोल्व करना, 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 और 1 6, 2 से गुणा कर दो, और अंडर रूट 5 का मतलब 5, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया 4, 2 से 2 से इसको काट दो 2, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 3, 3 में से 2 गए कितने, 1, राइट आंसर 1 आ जाएगा। ये बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।